एक फ्लाइट पे well, में, में, वगैरह एक दूसरे को हेल्प करना खासकर वो लड़का लड़की को हेल्प करता है फिल्म एक्ट्रेस uh, भी बनना है अभी तो ऑडिशन वगैरह देती है तो ऑडिशन में वगैरह हेल्प करता है तो दे हैंगिंग आउट विद ईच अदर एंड बिकम वेरी फ्रेंडली फिर एक दिन लड़का लड़की को प्रपोज करता है लेकिन लड़की इनिशियली श्योर sure नहीं है कि क्या भाई ये फ्रेंडशिप से आगे इसको लेके जाना है रिलेशनशिप को क्योंकि मुझे ये उतना एज अ लवर पसंद है एज अ फ्रेंड मुझे पसंद है तो वो टाइम लेती है फिर बाद में हाँ बोल देती है तो एक बार उन लोग डेट करने को चालू करते ना उसके बाद ये लड़की एक एक चीज डिस्कवर करती है इस लड़के के बारे में क्योंकि इस लड़के के बारे में ज्यादा उनको इंफॉर्मेशन नहीं था मतलब फ्रेंड्स है वगैरह सब ठीक है लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है उसने जो भी बोला है बस वही उनको पता है बट डेट करते वक्त डेट जैसे ही लोग करने चालू करते हैं वाइल्ड इन टू अ रिलेशनशिप शी स्टार्ट डिस्कवरिंग थिंग्स अबाउट हिम आर नॉट ट्रू मतलब जो उन्होंने बोला था वो झूठ निकलता है एक एक चीज तो कैसे वो झूठ को डिस्कवर करता है तो क्या कुछ करता है ये लड़की उनके गर्ल पैल्स के साथ गर्ल फ्रेंड्स के साथ ये आदमी का झूठ पकड़ने के लिए हाउ शी डिस्कवर्स वेदर द पर्सन दैट शी इज इन लव विथ अ अन पर्सन और अ फ्रॉड और अगर फ्रॉड है तो वो फ्रॉड इसके ऊपर क्यों कमिट कर रहा है लड़की के ऊपर लड़की से झूठ क्यों बोला चाहता क्या है कौन है ये साइको है पागल इंसान है क्या है इसका मोटिव इंटेंशन तो वो जिस तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश करता है वो भी देखने में मजा आया तो ये दो चीज स्क्रीन प्ले में अच्छा है एक तो लव स्टोरी जिस तरह से होता है उन दोनों का वाइब जिस तरह से बढ़ता है और दूसरी बात जिस तरह से झूठ पकड़ती है कैसे वो डिस्कवर करती है क्या कुछ करती है ये दो चीज स्क्रीन प्ले में काफी एंगेजिंग लगा मुझे अब परफॉर्मेंस जो दिया है एलिजा ने सुप परफॉर्मेंस दिया दोस्तों एक एक इमोशन को बहुत ही बारीकी से पकड़ा है चाहे वो लव का इमोशन हो फ्रस्ट्रेशन का हो एंगर का हो यू नो जेलसी का हो बहुत सारा डिफरेंट इमोशंस आपको इसमें देखने का मौका मिलेगा सुपर उन्होंने किया है बीच बीच में उनका स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट भी आपको इसमें देखने मिलेगा दैट इज ऑल्सो वेरी वेल डन इनफैक्ट वो स्टैंड अप कॉमेडी सीन्स को जिस तरह से इंटरस्पर्स किया है मेन प्लॉट के साथ वो इंटरस्पर्स वाला वो आइडिया भी मुझे काफी अच्छा लगा अच्छा एक ट्रांजिशन था वो तो ये सारा चीज बांधे रखेगा आपको इसके अलावा डेनिस प्लेड बाय रायन जो लड़का है जो एलिजा से प्यार करता है वो लड़के ने भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है सुपर एक्टिंग दिया है और दोनों का केमिस्ट्री यानी रायन और एलिजा का जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री था एज अ कपल और वॉट एवर इट इज इवन एज अ नॉट कपल क्योंकि डेनिस इज मोर लाइक अ नर्ड एंड एलिजा इज क्वाइट गुड लुकिंग तो दोनों का जो केमिस्ट्री था वो भी देखने में काफी मजा आया वो भी आपको बांधे रखेगा तो आई एम गोइंग विद आई एम गोइंग विद स्टार्स आई क्वाइट स्टार्इटिंग ओनली द क्लाइमैक्स काइंड ऑफ वेरी ओकेश मतलब क्लाइमैक्स जिस तरह से सोचा था कि यार एक बड़ा एक बिल्टअप बनेगा यू you नो know, वो झूठ वूट पकड़ने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं है इसका इंटेंशन वगैरह वो अप देने के बाद क्लाइमैक्स थोड़ा सा एवरेज निकल गया उतना कुछ खास क्लाइमैक्स लगा नहीं ठीक ठाक था ओके सो नेवर द लेस